अस्सलाम वालेकुम दिस इज किंजा फ्रॉम पार्क व्यू सिटी लाहौर आज हमारे साथ मौजूद हैं नेक्स्ट रेजिडेंस मार्केटिंग के सीईओ मिस्टर सलमान अली कैसे हैं सर आप जी मैं ठीक हूं आप कैसे अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं थैंक यू सो मच सर फॉर योर स्पेशियस टाइम आपसे चंद सवाल आते हैं हमारे मुझे थोड़ा सा बताइएगा सर आपका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका रियल मार्केटिंग में रियल स्टेट में थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी कि रियल uh, स्टेट में मेरा कोई एक्सपीरियंस लास्ट टेन ईयर्स से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और लास्ट टेन ईयर्स में मैंने काफ़ी uh, लाहौर में लाहौर से बाहर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में uh, काम किया और तकरीबन लास्ट uh, uh, दो साल से हम पार्क्यू सिटी में काम कर रहे हैं एज देयर ऑथराइज सेल्स पार्टनर ओके माशाल्लाह सर दस साल का आपका एक्सपीरियंस है रियल स्टेट का तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे बताएगा कि किस तरह से आप देखते हैं पार की इन्वेस्टमेंट को किस तरह से आप देखते हैं पार को लास्ट टू इयर्स से हम uh, पारक सिटी में काम कर रहे हैं और uh, यहाँ पे आने से पहले uh, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया जब हमने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी थी और यहाँ पे बिजनेस शुरू करना था मैंने काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स भी जो शुरू हुए थे पिछले दो साल में या इसके अरसे में उनको हमने रिसर्च किया उस पर वर्किंग की तो मुझे कोई भी प्रोजेक्ट लाहौर में जो है वो पार्क क्यू के कंपेरेटिवली अच्छा नहीं लगा अच्छा ना लगने से मतलब ये कि मुझे पार्क क्यू ज़्यादा बेहतर लगा उसकी वजह है जो मैं आपको बता देता हूँ वो ऐसा है कि पार्क क्यू एक डिवेलप प्रोजेक्ट है एक डिवेलप प्रोजेक्ट है और यहाँ पे 5000 के करीब फैमिलीज जो है वो रह रही हैं रेजिडेंट्स हैं और मजीद मेरा ख्याल है अबाउट 1000 जो है वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे अभी राइट नाउ मे बी मोर देन 1000 ठीक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं लाहौर या इसके गिरदो नमा में कि जहाँ पर ऑन साइट जो है वो एक घर भी मौजूद नहीं है तो मैं अक्सर सोचा करता था कि कोई ऐसा आ, प्रोजेक्ट तो हो कि जहाँ पे आप ऑफिस बनाएं जहाँ किसी को अगर आप इनवाइट करें उसको दिखा तो सकें कि आप भेज क्या रहे हैं ठीक exactly. है मतलब क्या सेल कर रहे हैं नॉर्मली आप देखेंगी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हवा में है ठीक है उनका ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ठीक तो जब आप देखें आ, मैं समझता हूँ कि सीइंग इज़ बिलीविंग जब कोई आके देखता है तो उसको आ, यकीन हो जाता है कि जो वो चीज़ खरीद रहा है वो कैसी है ठीक है ना तो इसलिए हमने पार्क यू सिटी को चूज़ किया और माशाल्लाह से पार्क यू सिटी का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे करियर का आप कह लें कि बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अलहमद रेवेन्यू वाइज भी और ओवरऑल एक जो लर्निंग थी यहाँ पे जो देखने को मिला जो एक्सपोयर मिला यहाँ की मैनेजमेंट से यहाँ का जो स्टाफ है सारा इनसे वो मुझे और कहीं पर नजर नहीं आया ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स uh, की जिन भी लोगों को जो हमारे इन्वेस्टर्स थे हमारे दोस्त थे हल्का बाब में या जो एंड यूजर थे जिन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट लिए या कोई इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिए अलहदुल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब बहुत अच्छा गेन किया पिछले दो साल में आप समझ लें कि पार्क यू सिटी हंड्रेड इसने जो है वो अप्रिशिएट हुई है यहाँ की प्रॉपर्टी ठीक है जी अच्छा सर इसके अलावा जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं हमारे एंड यूजर्स हैं आपको देख रहे हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं लाइक like, यहाँ पे मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल है रेजिडेंस है फाइल्स हैं आप क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मतलब कहाँ पे ज़्यादा जो कैपिटल गेन आप देखते हैं हमारे एंड यूजर्स के लिए जी देखिए मैं तो पार्क सिटी से अच्छा नहीं समझता कि इससे ज़्यादा गेन या अप्रिसिएशन कहीं पे भी आपको मिल सकती है उसकी वजह यह है कि देखिए जब भी आप कहीं पे प्लॉट खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो आप दो तीन चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी चाहिए एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एक्सेस है या लोकेशन है प्रोजेक्ट की पार्क यू सिटी की जो लोकेशन है ठीक है इसका कोई कंपेरिज़न नहीं है इसका कोई मुतबादल नहीं है किसी के पास जितने भी लाहौर में प्रोजेक्ट इस टाइम या इसके गिरदो नवा में कुछ लोग तो इवन ऐसा भी है कि आप देखें कि लाहौर कहते हैं लेकिन वो लाहौर है नहीं ठीक है वो मतलब लाहौर से तीस तीस किलोमीटर दूर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो कैसे उसको आप लाहौर के पार यू सिटी लाहौर जो है वो एक्चुअल लाहौर में वाक्य है ठीक है ये सामने डी एच एम जो सेक्टर ट्वेल्व है इसका डी का वो है यहाँ से मोटरवे आपका तीन किलोमीटर पे है रायवेंड रोड मुल्तान रोड नहर कनाल बैंक रोड सब बिल्कुल एक्सेस में है तो इसके मुतबाद तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है ठीक है और उसमें इसकी जो फिर अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसकी डेवलपमेंट देखते हैं अगर आप पहले तो आप लोकेशन देखते हैं वो इसकी ज़बरदस्त है आइडियल लोकेशन है उसके बाद इसकी डेवलपमेंट देखें तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में आ, पार्क यू सिटी से अच्छी डेवलपमेंट किसी की नज़र नहीं आएगी और ये खाली बात नहीं है कि मैं सिर्फ ज़ुबानी को ये कैसे बात कर रहा हूँ मतलब कोई भी शख्स यहाँ पे आए आके देखे खुद कंपेयर करे खुद इसको एनालाइज करे कि क्या ये डेवलपमेंट जो है आपको कहीं और मिल रही है फिर इसकी अमेनिटीज जो हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी मस्जिदें स्कूल कॉलेज कमर्शियल्स, बैंक्स पार्क्स, जू ठीक है अभी थीम पार्क एक बनने जा रहा है ओवरसीज ब्लॉक में जो पार्क का सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है वो थीम पार्क है एटी कनाल पे वो बनने जा रहा है कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है यहां पे एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है हॉस्पिटल आ रहा है तो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं आप बुलेवर्ड देखें इसकी वन हंड्रेड की बुलेवर्ड हैं ठीक है और जो मिनिमम भी स्ट्रीट्स हैं वो थर्टी फीट्स की हैं और फिर आप ग्रीनरी देखें इसकी सिक्योरिटी देखें इसकी इम्यूनिटीज देखें मतलब टॉप टॉप नॉच है ठीक exactly. है कहीं पे आपको ऐसी वो नहीं मिल सकती एक ही जगह पे इतनी सारी चीजें और फिर अगर आप इसकी अब मैं बात करूं तीसरी बात होती है इसकी फिर डिलीवरी ठीक है पार्क तो सिटी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है ठीक है ये दुनिया जानती है विजन डेवलपर्स का कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो चीज आपको सेल की है वो बिफोर टाइम डिलीवर की है ऐसा मैंने नहीं देखा इनफैक्ट होता ये है कि आ, आपको कहा जाता है कि आपको तीन साल में या चार साल की इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट दे दिया जाएगा जबकि एक्चुअल uh, में आपको दस दस साल भी डिलीवर नहीं होता ठीक है तो मैंने नहीं ऐसा कहीं भी नहीं देखा मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा किसी का भी लेकिन मैंने काम किया ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा अभी जैसे लेट सपोज अभी मैं आपको बताता हूँ सिल्वर ब्लॉक लॉन्च हुआ था आ, मेरे ख्याल से जून में यहाँ पे ठीक है जी अब भी उसकी मेरा ख्याल है एक इंस्टॉलमेंट भी शायद जिन्होंने प्लॉट्स लिए नहीं दी और उसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया और मजे की बात यह है कि ट्वेंटी फोर बाय सेवन डिवेलपमेंट का काम हो रहा है जो कोई नहीं कर रहा मतलब आप रात को बारह बजे आके भी मैंने देखा है तो डेवेलपमेंट हो रही है दिन में भी डिवेलपमेंट हो रही है मतलब ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा और इतनी स्पीडी डिवेलपमेंट ये हर बंदा इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है जो पार्क सिटी करती है मैंने नहीं देखी कहीं पे इतनी स्पीड से डेवलपमेंट होती है ठीक है ना जी तो डिलीवरी तीसरी चीज़ होती है कि जो डेवलपर जो कमिट कर रहा है अगर वो उसको टाइम पे या बिफोर टाइम दे रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं ठीक है तो दो साल के इंस्टॉलमेंट पे जो प्लॉट्स पार्क्यू सिटी ने लोगों को दिए वो मेरा ख्याल है कि जैसे ओवरसीज ब्लॉक है वो एक साल में डिलीवर कर दिया मतलब अमेजिंग बात यह है कि दो साल का कह के वन ईयर में ही डिलीवर कर दिया तो ऐसा कहीं भी नहीं आपको देखने को मिले तो मेरे नजदीक जो लोग देख रहे हैं कोई जो व्यूअर्स हैं आपके और कोई इन्वेस्टर्स हैं या जो एंड यूजर्स हैं यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लॉट लेके रखना चाहते हैं मेरे नजदीक पार प्यू सिटी से अच्छी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पूरे पाकिस्तान में पूरे लाहौर में कोई नहीं हो सकती उसकी वजुआत मैं आपको बता चुका हूँ और ये फैक्चुअल चीजें हैं ये कोई बात नहीं है मैं सबको एक ही बात करता हूं कि आप आके खुद देखें खुद देखें ऑन ग्राउंड चीजों को देखें उसके बाद डिसाइड करें मेरी बात पे किसी की बात पे मत जाएं आपके कोई क्या कह रहा है आप खुद आके जब कोई देखता है तो उसको अंदाजा होता है कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है और कहाँ पे खरीद रहा है ठीक है तो मैं इसको देख रहा हूँ कि पार्क सिटी आने वाले एक साल में जो करंट प्राइसिस हैं ये उम्मीद है ये ये कम 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 से से 50% टू 70% गेन आएगा में क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता आ, कोई भी आदमी जो प्रॉपर्टी को समझता है रियल स्टेट को समझता है वो ये कंपेयर कर सकता है हमेशा आप कंपेयर करते हैं चीजों को ठीक है इसकी डेवलपमेंट को दूसरी किसी डेवलपमेंट के साथ, और इसकी को साथ जो सराउंडिंग में अगर कोई सोसाइटी उससे आप कंपेयर करें प्राइसेस को तो आपको आइडिया होगा हमेशा लोगों को ये बोलता हूं अंडर वैल्यू है यहाँ पे जो प्लॉट आपका 50-60 लाख रुपए का भी अभी आपको मिल जाता है ये एक साल बाद एक करोड़ रुपए का भी नहीं आपको मिलेगा क्योंकि आप इसके सराउंडिंग में देखेंगे जो इसके लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां है। पे बहुत गैप है बहुत गैप है टू मच डिफरेंस है मतलब आ, आ, सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपए तक का पांच मरला का प्लॉट है बिल्कुल ऑपोजिट हमारे एक प्रोजेक्ट है ठीक है तो पार्क व्यू में अभी भी आपको अच्छा प्लॉट जो है एक डिसेंट प्लॉट साठ लाख सत्तर लाख रुपए में मिल जाता है फुली डेवलप्ड

Uh, thank you so much again your time thank you very much kinza for having me thank you very much